खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां नगर सैनिक मध्य प्रदेश पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा में लगा हुआ है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर वह सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस को मिलती हैं। नगर सैनिकों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि विभाग इन्हें जब चाहे तब 2 माह के लिए कार से बाहर कर देता है और उस समय का इन्हें सैलरी भी नहीं मिलती। इतना ही नहीं, ड्यूटी के समय अगर कोई घटना घटित होती है तब तो शासन 3 लाख रुपए देता है, अगर यह ड्यूटी में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता। उक्त कई मांगों को लेकर लंबे समय से नगर सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे। विगत दिनों 14 नगर सैनिकों को विभाग के द्वारा बैठा दिया गया था, जिसके लिए रीवा में पदस्थ 14 नगर सैनिक कोर्ट की शरण में पहुंचे और कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट के रोक लगाते ही संभागीय डिविजनल कमांडेंट M.K. पेंडा सहडोल से रीवा पहुंचे और नगर सैनिकों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाने से विभाग की छवि धूमिल होती है, जो उनकी मांगे हैं विभाग पूरा करेगा। अब यह वरिष्ठ अधिकारियों की सैनिकों को धमकी है या चेतावनी या विभाग की छवि धूमिल होने का डर, यह तो वही जाने, लेकिन पीड़ित को अगर न्यायालय से न्याय मिलता है तो उसे न्यायालय जाने से रोकना कहां तक उचित है। आइए आपको सुनाते हैं नगर सैनिकों ने अपनी क्या समस्या बताई और उक्त बैठक के संबंध में कमांडेंट ने क्या कहा है। क्या कुछ विषय रखे गए हैं? डीजी साहब के कुछ निर्देश थे जो कोर्ट में जा रहे हैं जवान, और जब डीजी साहब का कहना यह है कि जब मैं उनकी बातें सुन रहा हूं तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? जो भी इनका प्रस्ताव रहता है मैं शासन को रेगुलरली भेज रहा हूं, इनके मुद्दों को तो वो क्यों कोर्ट जा रहे हैं? जिससे शासन में हमारे विभाग की छवि खराब हो रही है, ये कहना है। नहीं, वो अलग अलग कंडीशंस हैं, इसलिए जैसे आप देखेंगे कि अनुग्रह राशि में ये है कि एक्शन ड्यूटी में अगर किसी जवान की डेथ होती है तो उसको 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, 51,000 उनका कड़ा भत्ता मिलता है इस टाइप का। मगर कोई आदमी जवान जैसे घर में सोया हुआ है, ड्यूटी के बाद चला गया है, तो उसको नहीं मिलता। तो जवानों का कहना ये है कि जैसे वो भी तो ऑन ड्यूटी है, उसको भी अनुग्रह राशि की पात्रता हो इस टाइप का। गलत रिटायर हो गए, उसका फल वो भोगे, पर जो बच्चे हैं श्रीमान, आप लोग तो मदद करिए कि रोटेशन नियम ना हो। सरकार मोदी जी, योगी जी रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं, आप तो रोजगार छीन रहे हैं सर। 2 महीने के लिए घर जो बैठ जाता है उसके बाद बच्चों के ऊपर क्या बीतती है? ये ना हो, अरे हम चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में तो आपको परेशानी क्या हो रही है? अपनी रोजी रोटी के लिए अपना तपस्या कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो विभाग को क्या परेशानी है? कोर्ट आदेश करेगा तभी तो देगा, मुलाकात नहीं होगी। नियम निवेदन उनसे भी यही करते हैं, हम बात कर रहे हैं जी, क्या कहते हैं लोगों को नहीं मिला सर, उसके लिए क्या किया? हम बात कर रहे हैं, आप शायद जानते भी होंगे, आप इस समाज में रहे हैं जी, वर्तमान में भी चाहते हैं कि ये सब कुछ मालूम है श्रीमान, यहाँ तक भी जानते होंगे, क्योंकि अब हम लोग कहीं जा नहीं सकते, न कोई हमको विभाग पूछेगा न सुनेगा। मेरी निवेदन है कि भर्ती